शहर में बैठ के जब आप सामाजिक एकजुटता की बात करते हैं और उसके बाद फिर आपस में ही लड़ मरते हैं, तो ऐसे में आपको बस्तर के अंदरूनी इलाकों में रहने वाले आदिवासियों से, उनकी संस्कृति से और सभ्यता से सीखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मुझे लगा कि मैं हमारे विकसित समाज को, आदिवासी समाज की एकजुटता को दिखाऊं, जिससे कि आप भी इनसे एकजुटता सीख पाएँ, इसलिए इस वीडियो को तैयार कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल अभी मैं बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर इलाके के किसी अंदरूनी गांव में हूँ, गांव का नाम भी पता नहीं मुझे। जब मैं इस जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो मेरी नज़र पड़ी किनारे एक छोटे से तालाब में, और यहाँ भीड़ जो इकट्ठी हुई है उस पर। करीब आकर देखा तो देख रहा हूँ कि महिलाएँ, बच्चे, कुछ बुजुर्ग सभी यहाँ पर एक साथ इकट्ठे हुए हैं, और इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। तो मुझे लगा ये तालाब, जैसा कि शहरों में चलता है, किसी बड़े ठेकेदार का होगा और इन्हें मजदूरों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा होगा कि आप सभी को मछली पकड़ना है और शाम को आपको इसका पैसा दिया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। आकर थोड़ी देर बैठा और जब यहाँ के लोगों से बातचीत किया तो बहुत ही खूबसूरत कहानी निकल कर आई, तो मुझे लगा कि इस कहानी को आपको जानना चाहिए। दरअसल ये गाँव का तालाब है और गाँव के तालाब में सारे गाँव वाले एक साथ एकजुट होकर मछलियाँ पकड़ रहे हैं, और मछलियाँ भी थोड़ी मोड़ी नहीं, आप देखें भरपूर मात्रा में, और ये मछलियाँ तौली जा रही हैं। हिसाब किताब किया जा रहा है कि आखिर कितनी मछलियाँ यहाँ से पकड़ी गई हैं। भैया आओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, ये बात नहीं करेंगे, दादा बताएंगे। दादा, क्या नाम है आपका? गंगा। गंगा, क्या कर रहे हो दादा ये सब गाँव वाले सब? पता नहीं, बड़े से मत के नाटे ना। हिंदी में नहीं आता? नहीं, नहीं, नहीं। हिंदी नहीं आता, हिंदी किसको आता है? तो यहाँ किसी हिंदी वाले से बातचीत करेंगे, और दिक्कत यह है कि अंदरूनी इलाकों में लोगों को हिंदी थोड़ी सी कम आती है। एक भैया से बड़ा निवेदन करके बातचीत करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? रमेश यादव सर। रमेश जी। रमेश जी, क्या चल रहा है यहाँ पर? मछली पकड़ा जा रहा है सर तालाब में। अच्छा, तो रमेश ये बताओ, पहले मेरे को लगा कि किसी बड़े ठेकेदार का ये तालाब है और मजदूरी में लगाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं है सर, ये गांव की तालाब है। गांव का तालाब जी, और पूरे गांव वाले जी, सब अलग अलग घर से जी, सब अलग, सब एकजुट होकर पहुंचे हैं जी। तो क्यों, ये हर साल एकजुट होकर ही मछली पकड़ते हो क्या जी? और फिर क्या करते हो मछली को? ये खा लेते हैं सर। खा लेते हो, तो बांटते कैसे हो? ये बांटते मतलब किलो हिसाब, ये छोड़ा गया जो बोल रहे हैं वो बता नहीं सकते सर। मतलब छोड़े हैं आप लाके मछली के बच्चे लाके छोड़े होगे ना जी, और फिर इसको बांटोगे बराबर? जी, ये बांटेंगे सर बराबर। तो किसी को कम, किसी को ज्यादा दोगे, सब बराबर लोगे? नहीं सर, कोई एक किलो, कोई दो किलो ऐसे ले जाते हैं सर। अच्छा जी, मतलब कोई हिसाब नहीं रहता? नहीं सर। तो इसमें कभी लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता? नहीं होता है सर। नहीं होता, नहीं होता है सर। और पूरे गाँव वाले एक साथ मिल के आए जी, है ना जी। तो रौनक, आप दिखाएं कि किस तरह से सब एकजुट होकर सब अलग अलग घरों से पहुंचे हुए हैं। तो ये यहाँ पे मछली पालन भी सब गांव वाले एक साथ करते हैं जी? एक साथ करते हैं सर। अच्छा जी, तो ये हर साल कब करते हैं, कब फैसला करते हैं कि अब मछली पकड़ना है? मतलब बरसात में छोड़ते हैं सर। अच्छा जी, और ये मतलब मछली बड़ा हो जाता है तो पकड़ लेते हैं सर कभी भी। हाँ जी, और फिर इसको कोई चाहेगा तो बेचेगा जी? बेचते भी हैं जी, और कोई चाहेगा तो जी बेचते हैं, घर में भी खाएंगे जी, है ना जी। तो ये गांव वालों की एकजुटता है। अब और आप बोलेंगे तो आपको भी खिलाएंगे सर पकड़ के? अच्छा जी, मैं तो मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन बोल ले सकते हैं। तो पैसा नहीं, फ्री में खिलाओगे क्या? अब पता नहीं सर मुझे। नहीं खिलाओगे कि नहीं? खिला सकते हैं सर। खिला सकते हैं जी, अपने हिस्से से खिला सकते हो। तो ये खूबसूरती है बस्तर की कि खैर मैं तो मछली खाता नहीं हूँ, लेकिन अगर मछली खाता होता तो निश्चित ही तौर पर मुझे दावत पे आमंत्रित भी किया जा रहा है कि आपको हम मछली खिलाएंगे ना यादव जी। जी, तो आप कहाँ तक पढ़े हो? नाइन्थ तक। नाइन्थ सर। अभी पढ़ रहे हो? जी पढ़ता हूँ सर। ठीक है। अच्छा, गांव में और कौन कौन सा ऐसा त्यौहार होता है जिसको सब एक साथ मिलके मनाते हो आप लोग? आमा फंडो, एक आम फंडो। अच्छा, अन्य त्यौहार है सर बहुत सारा, सब एक साथ मिलके मनाते हो, है ना? क्योंकि कल मैं देख रहा था आमा पंडुम के लिए पूरे गांव वाले इकट्ठा होके। बहुत सारा ऐसे पंडो में गांव वाले सब मिलकर करते हैं। अच्छा जी, तो ये बस्तर की खूबसूरती है, और आप देखें कि छोटी बच्चियां भी यहां पे आए हैं, वो भी अपने पिता के साथ आकर खड़ी हैं, हालाँकि कुछ कर नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करा रही हैं। उसके साथ भी लड़कियाँ भी आपको दिखेंगी जो मछली पकड़ने में सहयोग कर रही हैं। उसके साथ ही यहाँ के जो बुजुर्ग हैं या अन्य महिलाएं हैं, पूरा गांव एकत्रित हुआ है, एक साथ मिलकर एकजुट होकर मछलियों को पकड़ा जा रहा है, और साथ ही साथ इन मछलियों को तौला भी जा रहा है।
और तौलने के बाद बराबर हिस्से में हर किसी को बांट दिया जाएगा। एक साथ मिलकर सभी यहाँ पे मछलियाँ पालन भी करते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है, कहानी बताने का, मछली पकड़ने का तरीका नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये तरीका दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लोग जो हैं कैसे एक साथ एकजुट मिलकर किसी भी कार्यक्रम को पूरा करते हैं। चाहे आमा पंडुम का त्यौहार हो या नवाखानी का त्यौहार हो, हर किसी में गाँव के प्रत्येक सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और हर कोई उसे हर्षोल्लास के साथ इसमें शरीक होता है इस कार्यक्रम में। अब मछली पकड़ने में भी देखिए पूरा गांव एकजुट हो गया, तो ये खासियत है हमारे बस्तर के आदिवासियों के संस्कृति की, एक महत्वपूर्ण ये भी एक संस्कृति है। मुझे लगा कि हमारे विकसित होते समाज को इन आदिवासियों से इसे ज़रूर सीखना चाहिए कि आप जब एकजुट होंगे तो कोई भी बड़ा कार्य बहुत आसानी से एक ही दिन में निपटा लिया जाएगा, फिर चाहे इतने बड़े तालाब से मछलियां ही क्यों ना पकड़नी हो। अगर आपको लगे कि इस खूबसूरती को भी जानना समझना चाहिए और लोगों तक इस खूबसूरती को पहुंचाना चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।